इजाद लेब्स पारां एनईडी यूनिवर्सिटी कराची में पाकिस्तान इनोवेशन रोड शो के नाले से तकरीब कोठाई हुई। तकरीब में एनईडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज लोधी, सूबाई वजीर आईटी जाम तैमूर टालपुर, न्यालवार समाजी अगवान रिहान अलावाला, अर्जुन आजम ए बेन शिरकत कई। तकरीब में गालहिंदे अगवान चयो तो पाकिस्तान में वो नौजवान जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कंदे डॉलर कमाने जो शौक रखन था, ही प्रोग्राम उन्होंने लाइ तरतीब दिनों वो है। उन्होंने तो मुल्क में बेरोजगारी है, नौजवान लाइ वसीला ना तो इन प्रोग्राम वसीले पांजे पेरन ते बी सकन था। ही प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान लाइ है। इन वक्त ताई 20 खां वधीक जिलन में रोड शो नाले प्रोग्राम तरतीब दई उन्हें जी रहनुमाई कर चुका है। मेरे इदारे ने पाकिस्तान इनोवेशन रोड शो ऑर्गेनाइज किया, जिसके थ्रू हम इस महीने में, मार्च के महीने में 22 शहरों में ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हर शहर में जाएं, खासकर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बाहर निकलें और जो आईटी की, फ्रीलांसिंग की, टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें हर जगह लेके आएँ। हम रोज़ ऐसी कहानियाँ सुनते हैं कि एक बच्चा है जो बैठा अपने लैपटॉप से काम करता है और लाखों रुपये, करोड़ों रुपये कमाता है। तो क्यों ये कहानियाँ ज़्यादातर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से ही होती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हम छोटे शहरों में क्यों नहीं लेके जा रहे? खास करके अब 3G 4G ब्रॉडबैंड हर सिटी में मौजूद है। आज हमारा 11 दिन हमें हो गए हैं 14 शहरों से सफ़र करके। हम एबटाबाद से शुरू हुए, मालाकंड, सवात, पंजाब, सिंध, खैरपुर, हैदराबाद और आज कराची में हमारी इवेंट हुआ, जिसमें कि आईटी मिनिस्टर तैमूर तारपुल साहब आए, वीसी एनईडी मिनिस्ट्री सरोज लोधी साहब आए और इस तरह के बहुत से दीगर डिग्नेटरीज जो थे स्पीकर से वो आए, ताकि इंडस्ट्री को बता सकें, लोगों को बता सकते हैं कि आप एक लैपटॉप से और एक इंटरनेट कनेक्शन से अपनी रोज़ी कमा सकते हैं, अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं और इस मुल्क की तरक्की भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सपोर्ट इसी तरह आता है। हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं, नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो पूरे पाकिस्तान में 20 सेंटर खोलेगा, जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी फ्रीलांसिंग की और साथ 3 स्किल्स सिखाई जाएंगी, टेक्निकल, कंटेंट मार्केटिंग और क्रिएटिव। इसके थ्रू हम बच्चों को सिखाएंगे कि वो घर बैठ के डॉलर कैसे कमा सकते हैं। ये ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए उनको अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो घर में बैठ के काम कर सकती हैं वर्चुअली लैपटॉप के ऊपर। हम शहर शहर, डगर डगर जा रहे हैं और पाकिस्तान भर में अच्छे लोगों को तलाश कर रहे हैं, उनके अच्छे कामों को हाईलाइट कर रहे हैं आप जैसे लोगों के साथ मिलकर, और दूसरे लोगों से उनको मिलवा रहे हैं, जाके उनका जो काम है वो क्रॉस पॉलिनेशन हो, फैले, दूसरों तक पता चले। जो थोड़े से शर्मीले हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं कि बोलना शुरू करें, जो थोड़े से बिजी हैं काम में उनका काम फैलाने की काम कर रहे हैं। ये इस रोड शो का काम है कि इनोवेशन पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हो रही है उसके अंदर कोलैबोरेशन बढ़ाएं। पाकिस्तान में 250 मिलियन लोग रहते हैं, उस सबको अलग अलग मार्केट है, अलग अलग ज़बान वाले हैं, अलग अलग कंटेंट चाहिए। अब एक ही ज़बान, हमारे यहाँ 28 ज़बानें हैं, अब 28 ज़बान के अंदर 1000 डिफरेंट चैनल बनाए जा सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स का बना ले, कोई क्रिकेट का बना ले, कोई फुटबॉल का बना ले, तो किसी भी तरह से अर्न कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो अच्छा हो। पाकिस्तान इनोवेशन रोड शो 2021 है, इसका मकसद पाकिस्तान के नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत के बारे में रोशनास कराना है, क्योंकि दुनिया भर में जो तरक्की हो रही है उसमें सोशल मीडिया और आईटी, इसके बगैर कहीं भी तरक्की नहीं हो पा रही। तो चूँकि पाकिस्तानी यूथ जो हैं वो खुशकिस्मत से 60% हैं और सारे ही ब्रिलियंट हैं और अभी आईटी के शोबे में अपना नाम भी कमा रहे हैं, दुनिया से कमा रहे हैं, रेवेन्यू पाकिस्तान में आ रहा है। तो इस रोड शो ने 22 शहरों में जाके ये मकसद ये देना है पैगाम कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की साफ में आ जाए तो उसके लिए हमें आईटी फ्रेंडली होना पड़ेगा। इसमें फ्रीलांसर्स हैं, यूट्यूबर हैं, जो लोग आईटी कंपनियां चला रहे हैं उनके लिए एक पैकेज था पूरा, जो फ्री बैंक अकाउंट था और आईटी बोर्ड उनको कुछ सहूलतें दे रहा है। तो ये 22 शहरों में एक पैगाम भी है और साथ प्रैक्टिकली कुछ सहूलतें भी हैं। सूबाई वजीर तैमूर टालपुर जो चवण हो था पीपी चेयरमैन बिलावट भुट्टो की हिदायतों से सिंध के समुद्र यूनिवर्सिटी में मुफ्त इंटरनेट डिनी पी वही। विजिट कर अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।